नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अब तक आपने देख ली रहेगी 2 तारीख के बाद, कि जब से ये नया प्लान आया है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट हुआ है तो ब्रॉन्ज और सिल्वर डायरेक्टर को, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सिल्वर डायरेक्टर को। तो बहुत सारे वीडियो आपने देखे रहेंगे कि आप सिल्वर डायरेक्टर पर 20,000 इनकम हो सकती है, 25,000 हो सकती है, 35,000 हो सकती है, 40,000 हो सकती है। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे कि एक लेग एलओबी वाला बनाया, साइड में 2100 पीवी कर लिए, टीम बिल्डिंग बोनस भी मिल जाएगा। और तो ये बहुत सारे वीडियोस तो आपने देख लिए, लेकिन एक भी वीडियो अभी तक ऐसी नहीं आई है कि बॉस ये बनेगा कैसे, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए, अगर समझदार है वो सभी लोग को एक बात तो अब समझ में आ गई रहेगी कि अब यहां पर पीन के पीछे भागने से अच्छा स्ट्रक्चर के पीछे भागोगे तो बहुत बढ़िया इनकम हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मतलब कि अब स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, ना कि लेवल पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सरीखा कर दिया है। तो जिन लोगों को कम लोगों में काम करना है और बड़ी इनकम करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्योंकि देखो आज के बाद आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि नए जुड़ने वाले व्यक्ति को कहां प्लेस करना है, कहां पर प्लेस करने पर उससे ज्यादा बेनिफिट होगी। तो उस तरीके के विद स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं। दोस्तों शुरू में बचपन में आप सभी ने एक गाना सुना रहेगा, आपकी उम्र के ऊपर, राम लखन मूवीज का, कि 4-2-1, 1-2-4, माय नेम इज लखन। तो दोस्तों आज हम 4-2-1 के ऊपर भी बात, 4-2-1 के ऊपर ही बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल में भी पढ़ा, लेकिन एक लीगल वे से बात करेंगे। 4-2-1 मतलब कोई घालमेल करके नहीं करना है, एग्जैक्टली 4-2-1 एक्चुअल में मेरा कहने का मकसद क्या है। और आप इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्या इनकम होने जा रही है, और फोकस करिए कि स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि कम लोगों में काम करना है, जेन्युइन लोगों में काम करना है, लेकिन परफेक्ट काम करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए 4-2-1 है तो आप पूरा एलोब्रेट कर देता हूं मैं, आप यहां पर हो और आपको सिर्फ अपनी 3 लीड्स ओपन करनी है। आप बोलोगे सर आपने 4-2-1 लिखा और यहां पर 3 ही लीड्स बताइए। दोस्तों सब कुछ शांति से समझ लीजिए और वीडियो के अंत में फिर कमेंट करिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाली है ये। तो एरियल ओपन कर दीजिए कि बस मुझे स्ट्रक्चर पे काम करना है। देखो इसमें मैं आपको ये स्ट्रक्चर की इनकम तो बताऊंगा ही, और उससे भी कई गुना ज्यादा इनकम आप कैसे कर सकते हो वो भी सारे कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 4-2-1 का मेरा मतलब ये है कि आपको सबसे पहले मंथ वन की मैं बात कर लेता हूं, कि ये मंथ वन में आपको क्या करना है, आपकी 3 वीड्स ओपन करनी है। कंडीशन देखो हर एक महीने की एक ही रखूंगा कि जितने भी नए लोग आते हैं वो 100 पीवी की परचेस करेंगे। देखो वो महीने में अगर कोई ऑफर चल रही है 30 पीवी करेगा और फिर 100, मैं यहां पर कोई वाउचरों की बात नहीं करने वाला हूं, वो आप अपनी कॉमन सेंस चला लेना कि उस तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो कुछ एडिशनल आपको वाउचर के बारे में, मैं यहां पर सिर्फ रोकड़े की बात करूंगा कि रोकड़ा किस तरीके से आएगा। तो रोकड़े के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि आपको चारों को 100 पीवी करने हैं। अब देखो वो जमाना चला गया दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड है कि सर आपने एक पहले प्लान बनाया था 30 पीवी वाला, 25 पीवी वाला, तो अब नए प्लान में भी इसके, अब दोस्तों उसकी जरूरत क्या है 25 पीवी 30 पीवी की, वहां तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही बनता था 3,500-4,000 रुपए वाला, अब तो आप ब्रॉन्ज भी देख लो तो 8-10,000 रुपया कमाने वाले। तो अब देखो वो छोटी, देखो वीडियो बनाने के लिए तो वो भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो सोच से अब बाहर निकल जाइए, अब 25-30 पीवी पे काम नहीं करना है, अब सीधा काम करना है इस पे, और इस पे काम करने के बाद इनकम भी तो बड़ी आ रही है ना। तो सिंपल आज हम 100 पीवी के ऊपर ही बात करेंगे कि मंथ वन में आप 4 जन हो और आपने 100 पीवी का किया है। अब देखो आने वाले 3 महीने में और क्या काम करना है आपको विद स्ट्रक्चर। 4-2-1 का मेरा मतलब है कि आपको एक एकदम शार्प लेग आइडेंटिफाई करना है जिस आपकी विचारधारा से मेल खाता और उसको जीवन में डेफिनेट तरक्की करनी है। तो वैसे एक लेग के नीचे सेकंड मंथ में 4 नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब दूसरा एक आदमी कुछ टाइम के अभाव से सीरियस है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास वक्त का अभाव है, लेकिन काम उसको करना है, तो वो लेग के नीचे 2 नई ज्वाइनिंग करवा दीजिए। और एक होगा कस्टमर मेंटेलिटी, चला तो चला, नहीं चला तो भी ठीक है, ऐसा एक लेग होगा जहां पर सिर्फ एक। देखो 666 हमेशा भारी लगता है कि सब तो माथे सरीके नहीं है, सबके नीचे तो 6-6 आ नहीं पाएंगे,
तो आप इस तरीके से काम करिए, मतलब 6 या 4 2 1, और यही काम तीसरे और चौथे महीने भी करना है। जो ये स्ट्रांग लेंगे उसके हर एक के नीचे 4 4, मतलब इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, मतलब ऐसे ये दोनों के नीचे 2 2, और ये भाई साहब तो अकेले ही है और अकेले ही रहेंगे हर महीने एक एक। तीसरे महीने में भी इसी तरीके से हर एक के नीचे यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 2 2, और यहाँ पर 2 2, समझ रहे हो? मतलब ये हर महीने जो ये लेग में जो जुड़ रहा है उसके हर एक के साथ 4 4 नई व्यक्ति जुड़ रही है, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 1 1, तो इसे बोलते हैं 4 2 का 1। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, मैं आपको सिंपल एक चार्ट से बता देता हूँ ताकि आपको सिंपल समझने में आ जाए। ये मान लीजिए कि इस तरीके से है, तो अब लेग 1, लेग 2 और लेग 3 की पोजीशन देख लेते हैं कि चौथे महीने में क्या पोजीशन होगी। लेग 1, ये लेग 2 और ये लेग 3। अब देखो पहले महीने में क्या होगा, वो एक था और उसने 4 व्यक्ति को ज्वाइन किया है, तो यहां पर हो जाएंगे 5 जन। देखो मैंने, चलो समय बताने के लिए, यहाँ पर एक था, 2 नए ज्वाइनिंग किए तो 3 जन, और ये एक था और एक ही नया जोड़ा है तो 2 जन हो जाएंगे। और तीसरे महीने में क्या होगा, ये 5 जन में से 4 जन नए जुड़े थे, ठीक है, वो चारों जन ने 4 4 को ज्वाइनिंग किया, मतलब 16, और ये 5 पहले से थे। तो इसी तरीके से ये देखो, ये सेकंड मंथ हो गया, ये थर्ड मंथ हो गया, और फिर मैं फोर्थ मंथ की बात करूंगा, ठीक है, 21। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आदमी हो जाएंगे 7, और ये तो नया वाला भी एक ही जोड़ने वाला है, देखो 7 यहाँ। अब ये तीसरे महीने क्या हो जाएगा, ये 21 तो है, लेकिन वो जो 16 जन नए जुड़े थे वो भी 4 4 को नया ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो 64 लोग तो वो अलग से हो जाएंगे, और 21 पहले से थे तो 85, यहाँ पर हो जाएंगे 15, और ये भाई साहब तो एक एक ही जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर और एक आदमी बढ़ा। अब देखो अगर ये चौथे महीने की बात करूं, सिर्फ ये चौथे महीने की मैं बात करूं, तो यहां से आपको आ रहे हैं 8,500 पीवी, यहां से आ रहे 1500 पीवी, यहां से आ रहे 400 पीवी, 400 पीवी, ठीक है। अब ये बन गया है ब्रॉन्ज, ये आपका लेग हो गया है अभी 10%, और ये अभी भी भाई साहब झूम रहे हैं 5%। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई, इनकम की भी बात करें। अब देखो अगर इसकी अगर बात करें तो 1500 और 400 1900 होते हैं, और सिल्वर डायरेक्टर आप बन चुके हो क्योंकि 1800 आपने क्रॉस कर दिया है। आप इसमें अब आपके खुद के सेल्फ पीवी भी ऐड कर दीजिए, ये तो इन लोगों के पीवी मैंने बताया, तो 1900 में 100 पीवी ऐड करोगे तो हो जाएगा 2000 पीवी। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ये तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए, आप कैसे भी 2100 पीवी साइड मेंटेन कर ले, चाहे उसके लिए आपको 200 पीवी सेल्फ करना पड़े या कुछ एक आध दो डाउनलाइन और ओपन कर दी। मैं अब ये मान के चलता हूं कि आपके साइड वॉल्यूम 2100 पीवी हो गए और यहां से 8,500 पीवी इन अ सिंगल मंथ आया। अब देखो इसके नीचे भी जितने जन है ना वो अभी भी 8% में, तो मतलब इसको भी एक अच्छी खासी इनकम होने वाली है, और ये तो इस तरीके से काम कर रहे जो थोड़ा कम काम कर रहे। अब ये केस में आपकी इनकम क्या हो सकती है, सिंपल फटाफट से वो बात कर लेते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया, 4 2 1 का 4 2 1 इस तरीके से प्लेस करना है। देखो स्ट्रक्चर पे ही काम करोगे तो ही पैसा आएगा, और हमेशा आपका बोलता है कि सर हर एक लोग तो हर एक तरीके सेम काम नहीं करते, तो चलो ऐसे किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया तो इस तरीके से बनेगा। अब ये देखो यहाँ पर 8,500 पीवी आ रहे हैं, यहाँ पर 1500 पीवी आ रहे हैं, और ये अब ये केस में अगर मैं इनकम की बात करूं, यहाँ पर सारे बहुत पूरा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बताता हूं, तो ये केस में इसमें इसमें और आपका सेल्फ का मिलके 1098 आपका बनके आता है, परफॉर्मेंस बोनस बनके आता है, ठीक है। अब ये केस में आपको मिलेगा क्या क्या, बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा और आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा अगर वो जोड़ दे इसके अंदर, ठीक है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 82 पैसा, टीम बिल्डिंग बोनस हम वही जोड़ के चलते हैं कि चलो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं कि इसमें पॉइंट कितने बन के आते हैं, ठीक है। अब देखो आपने साइड से 2100 पीवी कर लिए है तो उसका आपको 2100 का मिलेगा 6%, ठीक है। और नीचे से क्योंकि ये तो पकड़ लिया उसमें 1500 400 1900 आपका, और अभी बचे 8,500 पीवी, 8,500 पीवी का 5%, ठीक है। तो 2100 का 6% कितना होता है,
126 होता है, 126 पॉइंट बोलता हूँ, ये पॉइंट है, और 8,500 का 5% गिनो तो 425 पॉइंट। अगर ये पॉइंट की हम टोटल कर ले तो ये पॉइंट का टोटल होता है 551। ये पॉइंट हो गए, इसको बिजनेस वॉल्यूम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 9918। अब ये 9918 को कितने रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनकम निकल के आएगी। देखिए जैसे मैंने बताया इसमें आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल रहा है 0.82, टीम बिल्डिंग बोनस हम पूरा नहीं पकड़ के चलते अप्रोक्सीमेटली 1.25 रुपया, और एलओबी की वैल्यू, क्योंकि अब तो एलओबी बनेगा ना, क्योंकि 8,500 पीवी हो गए, मतलब 5625 उसने क्रॉस कर दिए, तो तकरीबन 2.40 रुपया। अगर ये तीनों की वैल्यू की हम टोटल कर ले तो होता है 4.47। तो मतलब ये 9918 को अगर 4.47 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये वैल्यू निकल के आती है 44,333, और उसमें 1,000 रुपया ये जोड़ दीजिए दोस्तों, 1,100, मतलब तकरीबन 45,000 रुपया इनकम। समझ सकते हैं दोस्तों? अब ये काम क्या किया आपने, आपने स्ट्रक्चर पे काम किया, स्ट्रक्चर पे काम किया करके आपकी जो इनकम थी, आज से पहले जो सिल्वर डायरेक्टर 10,000-11,000 के आसपास घूम रहा था, सीधा जंप कर दिया 45,000 रुपए पे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको जहां पर कम ज्यादा लगता था कि सभी लोग एक तरीके का काम नहीं करते, आप प्लीज ऐसे वीडियो मत बनाइए कि 6 के नीचे 6, उसके नीचे 6, इस तरीके से प्रैक्टिकली काम नहीं होता है। आया करिए कि चलो प्रैक्टिकली इस तरीके से काम नहीं होता, बट इस तरीके से तो हो सकता है दोस्तों। तो 4-1 के फॉर्मूला पे काम करने पे अगर इसी तरीके से काम करो तो इनकम अच्छी खासी हो सकती है। और दोस्तों अगर 4-4-4 के फॉर्मूला पे काम करोगे ना, 4-4-4 मतलब अगर तीनों ब्रॉन्ज बन गए हैं और साइड से आपने कहीं से भी 1,000 पीवी का जुगाड़ कर लिया है, क्योंकि आपने तीन ही लेग पे काम किया है तो 1,000 पीवी तो करना पड़ेगा, अगर तीन जन अगर इस तरीके से बन जाएंगे तो दोस्तों तकरीबन आपकी जो इनकम है 80,000 के करीब चली जाएगी। अब देखो नए प्लान के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया, अगर नीचे वाले की पिन आपसे बड़ी भी हो गई तो भी आपको दिक्कत नहीं। अब ये लोग 4-4 लेग पे काम कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ में 16 नए ब्रॉन्ज क्रिएट हो गए 8,500 रुपए वाले, भले आप स्टार हो और ये डायमंड चला गया है तो भी आपकी इनकम 2,35,000 के आसपास चली जाएगी अगर यही प्रैक्टिस से काम आगे चल। उसके ऊपर डिटेल में बाद में आगे वीडियो बनाएगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो विद कैलकुलेशन विद स्ट्रक्चर सारे वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा। अभी एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, कब नीचे वाले की पिन अगर बड़ी भी हो गई है तो 16 ब्रॉन्ज है उसमें से 8,500 पीवी के इनको 5% मिलेंगे, लेकिन आपको भी तो 4% मिलेंगे, क्योंकि अब तो 6,5,4,3,2 आपको तो नीचे तक का लेवल का मिलने वाला है, उसके नीचे भी कोई बन गया तो भले आपका लेवल स्टार है उसके भी बॉटम लेवल से आपको एलओबी आएगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और नो डाउट हमें क्राउन तो बनना ही है। तो अगर ये 4-2 का बन जो 3 लेग में बताया इसी को आप डबल कर दीजिए, मतलब 2 लेग पे 6-6 ज्वाइनिंग, अरे 4-4 ज्वाइनिंग, 2 लेग पे 2-2 ज्वाइनिंग, और 2 लेग ऐसे हो गए जिसमें 1-1 ज्वाइनिंग, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि वो केस में आपकी इनकम क्या होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई रहेगी, 4-1 पे काम करना स्टार्ट करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो मिलते कल और एक इससे भी हायर इनकम के ऊपर मैं कुछ कैलकुलेशन करके लाऊंगा, और शायद पॉसिबल होगा तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर आप वो राइस ब्रांड ऑयल वाले सारे वीडियोस बनाते हो उसमें आपने 64 बॉटल एक आईडी पे बताई है, लेकिन कोई कोई डीएलसीपी में 20 से ज्यादा देते नहीं है। तो दोस्तों कल मैं शायद वो एक वीडियो बना दूंगा कि मान लीजिए सिर्फ 20 बॉटल भी मिलती है तो भी आपकी इनकम क्या होने जा रही है, तो पॉसिबल होगा तो उस पर कल एक वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर 20 बॉटल मिलती है तो वो केस में क्या होता है, अगर जानने की इच्छा है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए राइस ब्रांड ऑयल इन्फॉर्मेशन, बस उतना लिख लीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों को उसके ऊपर जानकारी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, विश यू वेल।